दोस्तों पेट्रोल और डीजल तो एक ना एक दिन खत्म होने ही वाले हैं, और ऐसे में कंपनियां लगी हुई हैं एक ऐसा फ्यूल बनाने की रेस में जो इन्हें रिप्लेस कर सके। बट आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक कार्स आ तो रही हैं और काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आ भी चुके हैं, और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक कार्स को ही फ्यूचर बता रही हैं। बट क्या सच में ईवीसी फ्यूचर के लिए बेटर ऑप्शन है? वेल, ऐसा नहीं है। इसके मेनली तीन रीजंस हैं। पहला कि बैटरी को चार्ज करने के लिए आखिर यूज तो इलेक्ट्रिसिटी का ही होता है, और इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? पॉल्यूशन से, तो इसे हम पॉल्यूशन फ्री फ्यूल नहीं कह सकते। दूसरा रीजन है कि इन बैटरीज को घंटों घंटों तक चार्ज करना पड़ता है। जहां पेट्रोल भरवाने में सिर्फ एक दो मिनट लगते हैं, वहीं एक इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में एक दो घंटे तक लग जाते हैं। और कार सक तो ठीक है, बट हैवी व्हीकल्स का क्या? जैसे शिप्स, एयरप्लेन्स, ट्रक्स और बुलडोजर्स जैसे हैवी व्हीकल्स, इन सब में भी अगर बैटरी का यूज होने लगा तो बहुत ही हाई कंजप्शन की वजह से बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाया करेंगी, जिन्हें रिचार्ज करने में भी काफी टाइम लगा करेगा, और इनमें काफी बड़ी बड़ी बैटरीज की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा रीजन है कि बैटरी बनाने में कोबाल्ट, ग्राफाइट, लिथियम और मैंगनीज जैसे मिनरल्स का यूज होता है, जिनको माइन एंड प्रोसेस करने के लिए काफी कार्बन एमिशंस होते हैं, यानी कि एट द एंड पॉल्यूशन तो फिर भी हो ही रहा है। हाँ, बट ये एक नॉर्मल डीजल और पेट्रोल जैसी कारों से तो फिर भी बेहतर है, बट हम इसे फ्यूचर के लिए बेटर ऑप्शन नहीं कह सकते। अब ऐसे में एंट्री होती है हाइड्रोजन फ्यूल की। काफी बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई है हाइड्रोजन व्हीकल्स बनाने में, जिनमें से सबसे आगे चल रही है टोयोटा। ये जापानीज कंपनी पहले से ही जानती थी कि ईवीज फ्यूचर के लिए बेटर ऑप्शन नहीं है, और इन्होंने मिराई नाम से एक हाइड्रोजन गाड़ी भी निकाली थी, बट वो एक काफी बड़ी फ्लॉप साबित हुई। ऐसा क्यों हुआ उसकी बात करेंगे आगे वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि इस रेस में टोयोटा अकेली नहीं है, बल्कि हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज जैसे अशोक लीलैंड, जेसीबी, कमिंस और फोर्ड जैसी कंपनियां भी इसकी रिसर्च में लगी हुई हैं। असल में हाइड्रोजन फ्यूल फ्यूचर के लिए एक बेटर ऑप्शन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें कार्बन एमिशंस नहीं होता, बल्कि वाटर वेपर के एमिशंस होते हैं। पर आखिर ये इंजन काम कैसे करती है, और इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट पे काम करने वाली हाइड्रोजन इंजन जो हवा में कार्बन नहीं बल्कि पानी छोड़ती है, वो इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है? मतलब हर कंपनी हाइड्रोजन कार बनाने के बजाय ईवीज के पीछे क्यों हाथ मार रही है? और क्या हाइड्रोजन व्हीकल्स ईवीज को रिप्लेस कर भी पाएंगे, या फिर ये बस ओवर हाइप्ड है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहें एंड तक। ओके, तो इंजन से पहले फ्यूल की बात करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे लाइटेस्ट और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। इनफैक्ट काफी स्टार और हमारा सन भी हाइड्रोजन से ही बना है। बट दिक्कत ये है कि हमारे प्लैनेट पे हाइड्रोजन कंबाइंड कंडीशन में मिलता है, जैसे कि ट्रीज, वाटर, प्लांट्स, ऑयल और हर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये पाया जाता है। तो हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करने के लिए इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। इसको मेनली तीन तरीके से अलग किया जा सकता है, और उन तीन तरीकों को नाम दिया गया है ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन को कोल या लिग्नाइट गैसिफिकेशन से या फिर स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन के प्रोसेस से बनाया जाता है, और ये मोस्टली कार्बन इंटेंस प्रोसेस होता है। और ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी सेम ग्रे हाइड्रोजन के प्रोसेस की तरह बनाया जाता है, बस एमिटेड कार्बन को कार्बन कैप्चर स्टोरेज में स्टोर कर लिया जाता है। और तीसरा है ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा अलग किया जाता है। इसको ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए नाम दिया क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कार्बन एमिट नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइसिस वो तरीका है जिसे आप पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी डाल के। इसमें जिस इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है वो विंड या फिर सोलर से आती है, और इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन का यूज सिर्फ व्हीकल्स में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए भी किया जाता है। अब जो तीनों तरीके मैंने आपको बताए उनमें से ग्रीन हाइड्रोजन ही बेस्ट है क्योंकि इससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता, और इसी को हम पूरी तरीके से क्लीन फ्यूल कह सकते हैं। आइए थोड़ा हाइड्रोजन के इंजन पर भी नजर डालते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस रेस में सबसे आगे चल रही है टोयोटा कंपनी, और जिस हाइड्रोजन कार की बात मैंने करी थी उसका नाम मिराई है, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन था। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में बेसिकली हाइड्रोजन का एक टैंक होता है जिसमें हाइड्रोजन फिल की जाती है और ऑक्सीजन तो हवा में मिली जाती है, तो इसमें हाइड्रोजन और ग्रिल से अंदर आने वाली ऑक्सीजन को फ्यूल सेल स्टैक के अंदर भेजा जाता है, जहां पर इनके रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी में लगी मोटर को चलाया जाता है, और फिर इसी से गाड़ी चलती है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से वाटर रिलीज होता है। बट ये फ्यूल सेल इंजन एक बड़ा रीजन था टोयोटा मिराई कार के फेल होने का। ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल से तीन गुना कम एफिशिएंट होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है जिससे हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, और जब हाइड्रोजन फ्यूल को कार में फिल करा जाता है तो फिर से उससे रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी निकाली जाती है और फिर उससे मोटर को चलाया जाता है। और वहीं अगर ईवी की बात करें तो उसमें सीधा इलेक्ट्रिसिटी से ही मोटर चलती है। और दूसरी कमी थी इस इंजन का प्राइस। टोयोटा मिराई कार का प्राइस फॉरेन में 60 लाख का था, और ये अपने प्राइस के हिसाब से इतनी कुछ खास भी बढ़िया माइलेज नहीं देती थी, और इन्हीं दोनों रीजन के वजह से ये कार फेल हो गई। बट टोयोटा कंपनी जानती थी कि हाइड्रोजन इज स्टिल बेटर देन ईवीज, बस एक बढ़िया इंजन बनाने की जरूरत थी, और एक बार फिर से वो नई इंजन के साथ आई है जो कि है हाइड्रोजन कंबशन इंजन। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, इसमें हाइड्रोजन टैंक के अंदर हाइड्रोजन भरी होती है और वो सीधा इंजन के अंदर ले जाई जाती है, जहां पर इसके अंदर नॉर्मली एक पेट्रोल और डीजल के इंजन की तरह कंबशन होता है। ये कंबशन इंजन टोयोटा पहले भी बना सकती थी, बट उनका इसे पहले ना
खाना बनाने का कारण था सेफ्टी। हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेमेशन गैस होती है और जब इसमें आग लगती है तो काफी बड़ा धमाका होता है। असल में 1966 में जनरल मोटर्स ने एक इलेक्ट्रो वैन बनाई थी जो कि हाइड्रोजन से चलती थी। हालांकि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि उस टाइम पे काफी कम टेक्नोलॉजी हुआ करती थी और ये काफी महंगी भी थी। तो एक बार इस गाड़ी में टेस्टिंग के टाइम इस गाड़ी का प्रेशर 8000 PSI तक पहुंच गया था और वो ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि उस गाड़ी के पार्ट्स आधे किलोमीटर दूर तक जाके गिरे और इसके चलते लोगों के मन में डर पैदा हो गया और लोगों को लगने लगा कि हाइड्रोजन को कंबशन इंजन में यूज करना एक चलते फिरते बॉम्ब की तरह है। पर जब हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो टोयोटा के पास यही ऑप्शन बचा और इसे और सेफ बनाने के लिए उन्होंने कई सारे सेफ्टी मेजर्स लिए। सबसे पहले तो उन्होंने हाइड्रोजन टैंक को कार्बन फाइबर रैप्ड पॉलीमर लाइन का यूज करा जो कि स्टील से 5 गुना मजबूत होता है और ये 10,000 PSI तक का प्रेशर सह सकता है। और इन्होंने हार्डन वाल्व्स और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिंग रॉड्स का भी इस्तेमाल किया और फ्यूल इंजेक्टर को गैस के हिसाब से डिजाइन किया ना कि लिक्विड के हिसाब से। बट इतना सब होने के बाद भी कुछ एक्सपर्ट्स जैसे इलोन मस्क का मानना है कि हाइड्रोजन फ्यूल एक काफी बेकार आइडिया है फ्यूचर के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें रिस्क काफी ज्यादा है और दूसरा कि इसको ट्रांसपोर्ट करना भी काफी खतरनाक है और ये सब प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व कर भी ली जाएं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लो इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि हाइड्रोजन के इस समय बहुत कम फ्यूल स्टेशन मौजूद है। हालांकि इसको भी बनाया जा सकता है बट और भी दिक्कतें हैं, जैसे कि इस समय जितने भी हाइड्रोजन फ्यूल बनाए जा रहे हैं उसमें से 95% ग्रे हाइड्रोजन के प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस एक काफी एक्सपेंसिव तरीका है हाइड्रोजन को निकालने का। तो अगर ये कंपनी फ्यूचर में इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करती है तभी हाइड्रोजन फ्यूल फ्यूचर के लिए एक बेटर ऑप्शन माना जाएगा। वेल, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में हाइड्रोजन इंजन पेट्रोल और डीजल वाले इंजन को और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिप्लेस कर पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी ट्रेंड से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।